नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बिहार एवं झारखंड के कई जिलों में अपनी पहचान बना चुके आशा फाउंडेशन नामक संस्था में बुधवार को जमुआ प्रखंड जलीय सूर्य मंदिर स्थित एक मैरिज हॉल में जमुई जिला चकाई थाना क्षेत्र पटपारा गांव के अशोक मोदी की 20 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी की शादी रोशन कुमार पिता दामोदर बर्णवाल के साथ हुई है। इस कार्यक्रम में बेटी की विदाई सामग्री ट्रंक संस्था के पदाधिकारी मुकेश कुमार जोसेफ मरांडी में संस्था के नियम के अनुसार तोशक रजाई मसलन चुनरी डिनर सेट वर एवं वधू को देकर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के मुकेश कुमार ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 2017 से बिहार एवं झारखंड के विभिन्न जिलों में गरीब परिवार की बेटी की शादी में अथाह संभव मदद करते आ रही है। संस्था की एकमात्र लक्ष्य है कि कन्या विवाह में कई गंभीर समस्याओं का सामना कन्या पक्ष को करना पड़ता है। इस परेशानी को बांटने के लिए हम लोगों द्वारा कदम उठाया जा रहा है ताकि वैसे परिवारों की मददगार में एक अंग बन सके। पैद फाउंडेशन है जो 2017 से चल रही है। मिनिमम ये हर एक साल 200-300 लड़कियों को शादी करने के लिए सामान वितरण करते हैं, शादी से पहले सामान देते हैं। और जो हमारा संस्था गोड्डा है, देवघर है, गिरिडीह है, चकाय है, जमुई है, बांका है, बहुत सारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में चल रही है और इस संस्था बहुत अच्छी से काम कर रही है। और हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, ये सब रोकना। हमारा समाज में बाल विवाह बहुत तेज़ी से फैलता है। सरकार बहुत सारा प्रलोभन देता है कहते हैं और बोल सरकार का उद्देश्य भी है बाल विवाह रोकना। इसलिए हमारा संस्था जागरूक कर रही है हमारे गांव को, हमारे शहरों को, जो बाल विवाह रुके और हमारे संस्था से जुड़कर बहुत सारे शादी के समय सामग्री दिया जाता है। और मुख्य उद्देश्य हम यहीं आए हैं। एक वर्मा जी के बेटी की शादी लगी थी तो बोले वो कि सूर्य मंदिर के सामने हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो हम सामान यहीं से प्राप्त करेंगे। और हम लोग बिहार से चलकर हम सामान देने के लिए यहाँ पे आए।